जी, हमने आपसे कहा था कि डीजी वाले बाबू से कराएंगे आपकी मुलाकात, तो डीजी वाले बाबू हमारे सामने और हैरान परेशान है, कहते हैं मैं आशिक वाशिक कोई नहीं हूँ। तो यही वो लोग हैं जो अपने ऊपर पर्दा डाल के घूम रहे होते हैं। ये हैं हमारे डीजे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आज अतहर आतिश है। और भाई जान, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, जैसे आप हैं वैसे बन के दिखाएं। बिल्कुल जनाब, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। कभी कभी होता है बंदा थोड़ा सा सीरियस अगर हो जाता है तो इसमें जरूरी नहीं कि बंदा जो है ना पिटा हुआ आशिक है। और बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ, अगर कोई छोड़ के चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास वैकेंसी खाली होती है, आप किसी और को लेके आए, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है। नहीं अतर भाई, ऐसी बात नहीं है, बंदा सीरियस होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी होना जरूरी है ना। तो बिल्कुल, अल्लाह ना करे कि बंदा वो वाला सीरियस हो। कभी होता है कि बंदा जो है ना नहीं ज्यादा हंस रहा होता, तो इसकी यही वजह नहीं होती कि बंदा की जो है ना कोई छोड़ के चले गए तो, और भाई छोड़ के चले गए तो अच्छा है ना, किसी के पास चले जाओ आप किसी और। तो वो तो बंदे की बात हुई ना, हम तो डीजे वाले बाबू की बात कर रहे हैं। बिस्ती जी नहीं होगी। नहीं, आप अगर सीरियस हो जाते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा। पूरा हमारा ग्रुप जो है नाराज हो जाता है कि अतर भाई को आज पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, पता नहीं भाभी ने खाना नहीं खिलाया आज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता, और बिल्कुल ऐसे ही कभी कभार हो जाता है, कभी थोड़ी एहसास हो तो इस तरह से। अच्छा, आप बताइए, जब खुशी के मूड में होते हैं तो कौन सा गीत जो है गाते हैं? खुशी के मूड में होता हूँ, खुशी के मूड में जब होता हूँ, असल में गीत मेरी स्पेसिफिकेशन नहीं है, और जब खुशी के मूड में होता हूँ तो कोई भी गाना गा के मैं जो है ना, अगर मूड में थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ होना तो मैं सही कर लेता हूँ गाने वाने गा के। तो सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? मुझे गाने में, गाने में लगता है, खाने में नहीं, गाने में। कैसे बताऊं कि तुझको चाहूं यारा, बता ना पाए, बातें तुम्हारी यादें तुम्हारी, राग से समझाए तू जाने ना, तू जाने ना। वाह भाई वाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह, बड़ी सुरीली आवाज है। तो आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते? नहीं, मैं बनने गया था वहां पे, वो गए हुए थे बनाने वाले। अच्छा, हाँ। या तेल गरम नहीं था? नहीं नहीं, वो बोल रहे थे भाई जान वो सांचा खत खराब हो गया सिंगर बनाने वाला। जिस तरह से बिस्कुट के नहीं होते वो छोटे छोटे, वो नुक्ती सिंगर जो होते हैं जी जी। नहीं, वो तो आप बन भी नहीं सकते माशाल्लाह से, आपके जो है पेड़े तो बन सकते हैं, बाकी सिंगर नहीं। चलें जी, मजाक के मूड में, और अतर आतिश भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अतर आतिश भाई का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ये डीजे भी है और डीजे वाले बाबू भी हैं। हाँ। और जब गाने पे आते हैं तो ऐसा गाते हैं, भाभी कहते हैं बाहर जाके गाओ। ओके जी, बहुत शुक्रिया, जा रहे हैं, खुश रहें और हंसते हंसाते रहें, और जिंदगी हंसने का खुश होने का नाम है, और सब चीजें खुश रहना, जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारना बहुत आसान है। माशाल्लाह, जबरदस्त। और कोई पैगाम हो, ऐसा पैगाम जो साथी चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह डीजे बन जाएं? बिल्कुल जनाब, डीजे अगर आप बनना चाहते हैं तो हर काम के लिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आप करना चाहते हैं बहुत आसान है, करके देखें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, करके देखें। मैं भी आपको एक काम कहता हूँ, करके देखें। जी, आप मुझे वो वाला गाना सुनाएं जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। अच्छा जी, वो आपको गाना सुनाते हैं, रंज मंजी है चुराइया बारह साल, डोली लेके पर घेड़े अगे नाल, फिर मेरे जे भी पूछे सवाल की दस, फिर मेरे जे भी पूछे सवाल की सब दस, केड़ी गल चली है तू चाल, वेखो जेड़े भी जमाने हो नवे या पुराने, इश्क वाले अदा होया बुरा हाल, सुन लो, ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, जेड़ा करे दा वफा ते उन्हें मिलनी सजा में क्या, इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, वाह वाह, ओ इश्क बेपरवाह, जेड़ा करे दा वफा ते उन्हें मिलनी सजा में क्या। वाह जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अतर भाई की वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यही बात अतर भाई कहेंगे, घंटी वाला बटन दबा के आपको जो है ना बिल्कुल इस पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई सी नई वीडियो जो है ना मिल सके। घंटी वाला कौन सा?
ये नीचे बिल्कुल नीचे जो है ना घंटी वाला बटन, ये बिल्कुल जिस तरह से मेरी उंगली जा रही है नीचे देखें घंटी वाला बटन। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा अतर भाई ने। अतर भाई बड़ी मेहरबानी, आपके शुक्रिया नवाजी, फिर जब मेरा मूड खराब होगा फिर आपके पास। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।